लाइक कीजिए और शेयर की। दोस्तों हम आधे एचपी मोटर की बात करते हैं जो सिंगल फेस है। अगर हमारे पास सिंगल फेस मोटर है और आधे एचपी की है तो उसमें हम 28 गेज का वायर से हम इसका फ्यूज़ बांध सकते हैं और इसकी कैपेसिटी होगी 10 एम्पियर। और उससे छोटा लगाना हो तो हमको 32 गेज का भी लगा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी 6 एम्पियर होगी। अगर हमारे पास सिंगल फेस में 1.5 HP यानी कि 1.5 HP की मोटर है तो उसमें हम लगाएंगे 28 की जो हमारे 10 एम्पियर है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 23 गेज की वायर लगा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी 25 एम्पियर तक की होती है। अब दोस्तों बात आती है 1 HP और एक से ज़्यादा HP, 1 से 1.25 HP की मोटर के बारे में, 1 HP और 1 KV में के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए हमको चाहिए 25 गेज की वायर चाहिए। जो 25 गेज की वायर हो तो उसको 15 एम्पियर तक उस वायर का फ्यूज नहीं उड़ेगा और इससे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो जल जाएगा। और उससे ज़्यादा हम लगा सकते हैं 35 एम्पियर तक का, जो 21 नंबर का गेज आता है उसका लगा सकते हैं। और दोस्तों 2.5 HP और 2 HP तक की मोटर के लिए हमने यहाँ पे 25 एम्पियर का ही फ्यूज वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 15 एम्पियर तक की इसकी कैपेसिटी है और उससे ज़्यादा जो आपका फ्यूज जल जाता हो तो आप 35 नंबर से भी, सॉरी 21 नंबर से भी उसका वाइडिंग फ्यूज का कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको 35 एम्पियर का लोड मिल जाएगा। तो अब ये तो बात हो गई सिंगल फेस के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे थ्री फेस मोटर के बारे में। तो थ्री फेस मोटर में दोस्तों जो HP है वो हम ले लेते हैं दोस्तों 1 HP की मोटर या आधे HP की मोटर। आधे HP की मोटर में हमको लगाने पड़ेंगे 32 नंबर के वायर की फ्यूज वायर, जिसकी कैपेसिटी है 6 एम्पियर, और उसको 32 से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम भी 32 भी लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं थ्री फेस में जो 1 HP 1 HP और 1.5 HP की मोटर आती है उसके लिए हमको मैक्सिमम हम 28 नंबर के तार से हम उसको बांध सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर तक रहती है। और ज़्यादा एम्पियर वाले लेने वाली मोटर हो तो उसको हम 23 गेज से बांध सकते हैं और उसको उसकी कैपेसिटी 25 एम्पियर है। तो इस तरह से 3 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए हम दोस्तों मैक्सिमम लोड है और 21 गेज से हम फ्यूज वायर बांध सकते हैं, उसकी 35 एम्पियर कैपेसिटी है। और 6 से 7.5 HP के लिए हम 21 नंबर का ही यूज करेंगे, उसकी भी कैपेसिटी 35 एम्पियर तक है। तो दोस्तों ये चार्ट की फोटो मैंने एक रिले के अंदर से निकाली है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये वीडियो बना डाला। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।